हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग 4x3 डायरेक्शन कंट्रोल वाल के बारे में डिस्कस करेंगे कि डायरेक्शन कंट्रोल वाल होता क्या है, किस तरीके से हम इसको अपने हाइड्रोलिक पैक में यूज करते हैं, और डायरेक्शन कंट्रोल वाल 4x3 का मतलब क्या होता है, और वाल के ऊपर आपने कई बार देखा होगा डायग्राम बना हुआ रहता है, तो वो किस तरीके से उस डायग्राम के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम इसको अपने हाइड्रोलिक पैक में यूज करते हैं, वो सभी आपको आज की इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो वालों के नाम रहते हैं कि भाई 4x3 है या फिर कोई और है, तो इसका मतलब क्या होता है। तो इसमें चार का मतलब है कि इस वाल के अंदर हमारे चार पोर्ट हैं, ठीक है, और तीन का मतलब है कि ये थ्री पोजीशन का वाल है। ओके, थ्री पोजीशंस हैं एंड फोर पोर्ट है इसके अंदर। तो इसको हम थोड़ा सा और डीप में समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे चार पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो चार पोर्ट इसमें कौन कौन से होंगे। इसमें आपने देखा होगा कई बार वालों के ऊपर इस तरीके का कुछ डायग्राम बना हुआ रहता है, इसमें इस तरीके से मार्किंग की हुई रहती है। तो इसमें पी का मतलब जो होता है, पी का मतलब होता है हमारा प्रेशर, टी का मतलब होता है टैंक, ए और बी ये हमारे पोर्ट होते हैं, जो कि हमारे ये लाइन जो जाएगी वो सिलेंडर में जाएगी, ठीक है। जो पी वाला पोर्ट होता है हमारा, वो पंप के साथ में कनेक्ट होता है। ये वाली लाइन जो होती है हमारी, ये पंप के साथ में कनेक्ट होती है, ये अपना पंप है, ठीक है, ये पंप के साथ में कनेक्ट होती है। और जो टी वाली लाइन होती है हमारी, ये हमारी टैंक के साथ में कनेक्ट होती है। ओके, और वैसे तो ये पूरा का पूरा ही जो सिस्टम होता है ना, ये हमारा टैंक होता है, ठीक है, ये पूरा का पूरा मतलब टैंक के अंदर होता है। और कुछ पंप ऐसे होते हैं जिनको हम टैंक से बाहर यूज करते हैं, कुछ को टैंक के अंदर ही यूज करते हैं, ठीक है, तो वो अलग एक टॉपिक है कि हमारे पंप कितने टाइप के होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि इस वाल के अंदर हमारे चार पोर्ट है, और ये चारों पोर्ट हमारे ए बी पी और टी है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे वाल में हम लोग दो सोलनॉइड कॉइल यूज करते हैं, क्योंकि ये हमारा जो वाल है वो थ्री पोजीशंस का है। ओके, ये थ्री पोजीशन का है, तो यहाँ पे या तो ये वाल हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑपरेट होगा या रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट होगा। तो चलिए उसके बाद देखते हैं कि डायरेक्शन कंट्रोल वाल किस तरीके से काम करता है। अगर कभी आपने डायरेक्शन कंट्रोल वाल को खोल के देखा हो, तो आपको इसके अंदर से एक स्पूल मिलेगा, ठीक है, ये अपना स्पूल होता है और यही मूवमेंट करता है, यही आपका या तो लेफ्ट साइड में मूव करेगा या फिर राइट साइड में मूव करेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी कॉइल ऑपरेट हुई है। अगर ये वाली कॉइल ऑपरेट हुई है, तो ये कुछ इस तरीके का इस डायरेक्शन में ऑपरेट करेगा। अगर ये वाली कॉइल अगर आपकी ऑपरेट होती है, तो उस कंडीशन में आपका ये इधर ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो इस स्पूल के ठीक सामने यहाँ पे दो पिंस लगी हुई रहती है। अब ये पिंस कहाँ पे होती हैं? ये पिंस होती हैं यहाँ पे। आपने कई बार देखा होगा कि जब हमारा वाल फंस जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या काम करते हैं, टेस्टर या फिर एलेंकी की मदद से हम मैनुअली इसको प्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो हम मैनुअली इसी पिन को प्रेस करते हैं। ओके, एक पिन रहती है अपनी यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे रहती है, उसके बाद यहाँ पे स्पूल रहता है। तो स्पूल क्या है? ये वाला है। अब स्पूल में जो ये वाला पोर्शन जो होता है इसका, ये लाइन को ब्लॉक करता है, ठीक है, ये लाइन को ब्लॉक करता है। जब ये वाला हिस्सा हमारा मान के चलो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, तो ये लाइन को ब्लॉक कर देगा, यहाँ पे टी वाले पोर्ट को ब्लॉक कर देगा। इसी तरीके से पी वाले पे आएगा, तो पी वाले को ब्लॉक कर देगा, ए पे आएगा तो ए को ब्लॉक कर देगा, एंड बी पे आएगा तो बी पे बी को ब्लॉक कर देगा। सेम इसी तरीके से जब ये मूवमेंट करेगा, मान के चलो जब ये वाली कॉइल हमारी ऑपरेट हुई और इसने मूवमेंट किया, अब ये वाला जो पोर्शन था ये इसकी जगह आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद जब ये वाला पोर्शन इसके सामने आता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो फ्लूइड है या फिर हमारा जो हाइड्रोलिक है वो फ्लो होने लगता है, ठीक है। अब वो पी वाला बी के साथ में कब कनेक्ट होगा और टी वाला ए के साथ में कब कनेक्ट होगा, वो डिपेंड करता है कि हमारा कॉइल कौन सा ऑपरेट हुआ है, ये वाला कॉइल ऑपरेट हुआ है या फिर ये वाला कॉइल ऑपरेट हुआ है। अब यहाँ पे हम 4x3 डायरेक्शन कंट्रोल वाल की बात कर रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है। यहाँ पे हम सोलनॉइड कॉइल की बात कर रहे हैं। ये मैनुअली भी आते हैं, मैकेनिकली भी आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मैकेनिकली ऑपरेट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जिनको मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होते हैं। तो यहाँ पे हम उस वाल की बात कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये वाल काम किस तरीके से करते हैं। अब देखिए, मान के चलो अपने पास एक सिलेंडर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये अपने पास एक सिलेंडर है, ये यहाँ पे एक पंप लगा हुआ है अपना, ये अपने पास एक टैंक है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। ये अपने पास एक टैंक है, ये पंप है, और ये अपनी प्रेशर लाइन है,
ये अपनी टैंक लाइन है, ठीक है, ये अपनी टैंक लाइन है, ये अपनी प्रेशर लाइन है, ये अपनी हो गई प्रेशर लाइन, ये ए पोर्ट हो गया, ये बी पोर्ट हो गया। तो ये देखिए, ये अपना एक अगर सिलेंडर है तो सिलेंडर के साथ में हमने क्या काम किया हुआ है, जो ए पोर्ट से हमने एक लाइन ली उसको हमने सिलेंडर में यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और बी पोर्ट से हमने एक लाइन ली उसको हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। तो अब आप समझने की कोशिश करो कि अगर अभी ये सिलेंडर हमारा इस कंडीशन में, अब मैं मान के चलता हूँ कि ये मेरे सिलेंडर की होम पोजिशन है, ठीक है, इस कंडीशन में क्या हुआ कि अभी यहाँ पे पंप जो रहता है ना, अपना पंप हमारा कंटिन्यू चालू रहता है, ठीक है, पंप अपना हमेशा चालू रहता है। तो उस कंडीशन में क्या रहता है कि उस कंडीशन में अभी ये पंप हमारा चालू है, और मान के चलो ये वाला जो कॉइल है अपनी, ये वाली कॉइल अपनी ऑपरेट हो गई है, ये वाली कॉइल ऑपरेट हुई तो स्पूल क्या हुआ, इस डायरेक्शन में स्पूल मूव हुआ, कॉइल मैग्नेटाइज हुई, स्पूल हमारा इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो पी वाली जो लाइन होती है वो बी के साथ में कनेक्ट हो जाती है, पी पोर्ट बी पोर्ट के साथ में कनेक्ट हो जाता है, और टी वाला पोर्ट जो होता है वो हमारा ए के साथ में कनेक्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि प्रेशर बी पोर्ट के थ्रू, इस लाइन के थ्रू सिलेंडर में यहाँ सारा फिलअप हो जाता है, यहाँ हमारा हाइड्रोलिक फिलअप हो जाता है। उस कंडीशन में हमारा सिलेंडर क्या होता है, इस तरफ को मूव करने लगता है, और यहाँ जितना भी हमारा हाइड्रोलिक होगा वो ए पोर्ट के थ्रू टैंक हो जाता है, ठीक है। सेम अब अगर हम दूसरी वाली कॉइल को ऑपरेट कर दें, इस वाली कॉइल को अगर हम लोग ऑपरेट कर देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा ए वाला जो पोर्ट है वो बी वाले पोर्ट के साथ में आ जाता है। अब यहाँ पे स्पूल, पहले तो स्पूल इस डायरेक्शन में मूव किया था ना, अब स्पूल अपना इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और उस कंडीशन में क्या होगा, जो ए वाला पोर्ट है वो पी के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। तो अब पहले हमारा सिलेंडर कहाँ था, पहले सिलेंडर अपना यहाँ पे था ना, पहले सिलेंडर अपना यहाँ पे था, यहाँ सारा हमारा हाइड्रोलिक भर चुका है सिलेंडर में, ठीक है। अब अपना क्या हुआ, ए पोर्ट के साथ में पी पोर्ट कनेक्ट हो गया, तो अब प्रेशर हमारा इधर से आना स्टार्ट हुआ। अब ए वाला जो पोर्ट है, ए वाली लाइन से हमारा प्रेशर आना स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे भी हमारा सारा हाइड्रोलिक भर चुका है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोलिक था वो मतलब उसको भी तो जगह चाहिए कहीं ना कहीं से निकलने के लिए, क्योंकि जब तक ये वाला हाइड्रोलिक निकलेगा नहीं तब तक हमारा ये सिलेंडर वापस जाएगा नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, बी वाला पोर्ट हमारा टैंक हो जाता है, ठीक है, बी वाला पोर्ट हमारा टी वाले पोर्ट के साथ में कनेक्ट हो जाता है, और यहाँ पे सिलेंडर में जितना भी हाइड्रोलिक भरा हुआ था वो इस वाली लाइन के साथ में, बी वाली लाइन के साथ, मतलब बी वाले पोर्ट के साथ में जो लाइन हमने कनेक्ट की थी, वहां से ये सारा का सारा हाइड्रोलिक हमारा टैंक हो जाता है, ठीक है। तो जब हमारा सिलेंडर इस कंडीशन में होगा, उस टाइम पे क्या होगा, हमारा ए वाला जो पोर्ट है वो टी पोर्ट के साथ में कनेक्ट होकर के हाइड्रोलिक हमारा टैंक हो जाएगा, और जब हमारा सिलेंडर इस कंडीशन में होगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि बी वाला पोर्ट टी वाले के साथ में कनेक्ट होकर के हमारा जो हाइड्रोलिक है वो टैंक हो जाएगा। अब देखिए, पंप से लेकर के और पी वाला जो टैंक रहता है, ये लाइन हमारी फिक्स रहेगी, टैंक जो वाला पोर्ट जो रहता है और टैंक, ये वाली लाइन हमारी फिक्स रहेगी, ये भी हमारे सारे फिक्स रहेंगे। सिर्फ हमारा अंदर जो ये वाल है, डायरेक्शन कंट्रोल वाल, इस वाल के अंदर का जो स्पूल का जो मूवमेंट है, स्पूल के मूवमेंट से क्या हो रहा है कि एक बार तो जो अपना स्पूल है वो क्या काम कर रहा है, ए को टी के साथ में कनेक्ट कर दे रहा है और बी को पी के साथ में कनेक्ट कर दे रहा है। जब बी को पी के साथ में कनेक्ट कर दे रहा है, उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि हमारा जो ये सिलेंडर है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन जब हम लोग इस वाले वाल को ऑपरेट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि पी वाला जो पोर्ट है वो ए के साथ में कनेक्ट हो जा रहा है और बी वाला पोर्ट जो है वो टी के साथ में कनेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब बी टी के साथ में कनेक्ट होगा तो क्या होगा, हमारा ये प्रेशर जो इस लाइन से जो आ रहा होगा वो टैंक हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन जो होती है अपनी, ये टैंक की होती है, यहाँ पे जो भी प्रेशर आएगा वो सारा टैंक हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो भी हाइड्रोलिक आएगा या जो भी फ्लूड आएगा वो सारा हमारा टैंक हो जाएगा। तो एक बार ए वाले से टैंक होगा और एक बार बी वाले से टैंक होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डायरेक्शन कंट्रोल वाल काम करता है। आई होप कि आपको भी समझ में आ गया होगा कि डायरेक्शन कंट्रोल वाल किस तरीके से काम करता है। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट है डायरेक्शन कंट्रोल वाल से रिलेटेड या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम से रिलेटेड, अगर आपको कुछ भी चीज जाननी है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपको हाइड्रोलिक सिस्टम समझ में नहीं आता है, हाइड्रोलिक सिस्टम आपको कंप्लीट समझना है, तब भी आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए इन फ्यूचर और भी बहुत सारी वीडियोज लेके आऊंगा हाइड्रोलिक से रिलेटेड।
अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकॉन है उसको ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।